तो जी वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में और आज के मिनी ब्लॉग में। आज से सोचा कि छोटे छोटे मिनी ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ब्लॉगिंग जो है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से सोचा कि क्यों ना छोटे छोटे से ना मिनी ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि शौक है, तो इस शौक को ऐसे पूरा किया जाए। ये है सुबह का टाइम और सुबह के टाइम जो है वो मैं बना रही हूँ सालन कह लें या इसको ऑमलेट कह लें, और ये हम तो इसको जो है अपनी जबान में ऑमलेट ही कहते हैं लेकिन कुछ लोग इसको इसका सालन भी कहते हैं, तो जो भी आपकी लैंग्वेज में है उसको आप वो नाम दे सकते हैं। तो बस ये जो था, मैं सालन नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बना लें अंडों का, तो ये अच्छा बनता है टेस्ट में और ये होता है कि ज़रा मज़े का भी लगता है। तो बस मैंने ये सालन बना रही थी और साथ मैंने सोचा था कि जो है पराठे बना लेती हूँ, तो अंडे का सालन और पराठा जो है ना वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। अगर सालन ना भी हो तो अचार के साथ ही पराठा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भाई हम तो पंजाबी हैं और हम जो है ना पराठा लवर्स हैं। और इसके बाद आप सुने थोड़ी सी, ये मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, देखिए जी कैसा लग रहा है। छुट्टी का लाइफ हम ट्यूटर्स की, गर्मी हो सर्दी हो धूप हो हमें तो छुट्टियाँ नहीं होती। अरे जो स्कूल्स वाले होते हैं वो तो 3 मंथ्स की वेकेशन देके कितने स्कूल में आ जाते हैं। ठीक है जी 3 महीने की छुट्टियाँ होंगी, इंजॉय करें, बट जो ट्यूटर्स होते हैं वो कैसे छुट्टी कर सकते हैं, उन्होंने तो आना ही आना है हर सूरत में क्योंकि हम ट्यूटर्स को पे करते हैं और स्कूल वाले तो हमें फ्री पढ़ाते हैं। बस यही है लाइफ ट्यूटर्स की। तो जी बस यही था ट्यूटर का दुख, मैं भी एक होम ट्यूटर हूँ, पता नहीं बाकी होम ट्यूटर्स इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते। तो यही तक था आज का मिनी ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।